रत्न संसार क्रांति के अग्रदूत स्वर्गीय राजीव जी का जयंती है। इस अवसर पे हम तमाम कांग्रेस जन संकल्प लेते हैं कि जो वर्तमान परिवेश है, इस परिवेश में जो लोकतंत्र पर जो खतरा आ गया है, उस खतरा को बचाना है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं और राजीव गांधी के जयंती पे संकल्प ले रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो अराजकता फैला दी है देश में, उसको हम लोग खत्म करेंगे, मोदी भगाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे। बोलिए। गांधी जी का जन्म दिवस है और इसे हम लोग एकता एवं अखंडता के रूप में मना रहे हैं। उनकी शहादत को, उनका जो देन है, उनका जो कृत्य है, कंप्यूटर जो इसको संचार क्रांति इस देश में आई, वो मूल रूप से हमारे भारत रत्न राजीव जी का ही देन है। पंचायती राज व्यवस्था को जो सुदृढ़ किया गया, यह 100% राजीव जी का देन है। तो आधुनिक भारत बनाने में जो हमारे बलिदानी प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का देन है, उसे यह देश सदैव याद रखेगा। आज हम लोग उनकी जयंती को संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं और हम सभी कांग्रेसी आज के दिन ये संकल्प लेते हैं जो राजीव जी के पद चिन्हों पर, उनके बताए हुए आदर्शों पर हम लोग चलने का संकल्प लेते हैं। और उनकी जो व्यवस्था है, उन्होंने जो इस देश को देने का काम किया है, हम लोग सदैव याद रखेंगे। और आम जनता के बीच में जो ग्रास रूट पे, जो सार्वजनिक पे, जो हमारे कांग्रेस पार्टी का UPA 2 का UPA 1 का जो देन है, इस कृत्य को इस आम जनता में ले जाकर प्रचारित और प्रसारित करने की आवश्यकता है और अधिक से अधिक कांग्रेस के सदस्यों को जोड़ने की जरूरत है।